हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा पांचाल रसोई। और आज हम बनाने जा रहे हैं आंवलों का खट्टा मीठा चटपटा अचार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवलों को स्टीम करना है, तो इसके लिए एक स्टीमर ले लेंगे और उसमें 3 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। इसे कवर कर लेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो ये जाली वाली प्लेट इसमें लगा लेंगे और इसके बाद हम इसमें इस तरह से आंवलों को डाल देंगे। आंवलों को पहले आप अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लें और फिर स्टीम करें। अभी 15 मिनट स्टीम करने के बाद देखिए आंवले हमारे बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इसे अच्छे से ठंडा करेंगे और इसका ये जो बीज है वो हम निकाल लेंगे। अभी ले लेंगे कोई भी एक कढ़ाई या मोटे तले का पैन। इसमें 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ही सौंफ लेंगे, साथ ही साथ 2 टेबल स्पून ही हम जीरा ले लेंगे और 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे मेथी दाना एंड 1 टेबल स्पून ही हम ले लेंगे कलौंजी। इसके साथ ही इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्च ऐड करेंगे और 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। अभी इन मसालों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मसाले हमारे ज़्यादा जलने नहीं चाहिए। और जब अच्छी सी स्मेल आने लग जाए मसालों में से, तब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ले लेंगे। अभी इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है और इसके बाद मिक्सी में ग्राइंड करना है। अभी एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरा और हींग ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे आंवला। ये जो स्टीम करके हमने आंवला रखा है वो ऐड कर लेंगे। अभी क्या करना है, आंवलों को हमें तेल में अच्छे से मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम इसी तरह से आंवलों को पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से आंवलों में लग जाए। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ ही इसमें जाएगा सेंधा नमक 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच से कम हम ले लेंगे काला नमक। साथ ही साथ जो मसाला हमने पीसा था मिक्सी में वो ऐड कर लेंगे। अभी 1 से 2 मिनट हम इन मसालों को पकाएंगे आंवलों के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम जितना गुड़ ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो जब तक गुड़ मेल्ट नहीं होता है तब तक हमें इस तरह से चलाते रहना है। और अभी धीरे धीरे आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट होने लगा है और ये देखिए गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। और इसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है और इसके बाद हम गैस बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे आप नमक टेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और जब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसे एक जार में भर लेंगे। अभी ये जो जार है वो एकदम से सूखा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और न ही मॉइस्चर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये आंवले का अचार एक बार जरूर बना के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।